हाँ जी, आज मखना हाथी का होता है, इसका क्या? पागल हाथी। चीटी कान में घुस जाती है तो मर जाता है। बाबा कान में बोलते हैं, वास्तव में नाक में घुसती है तब मरता है। और बच्चे के बार बार माता आ रही, परेशान क्यों कर रही है बाबा? है बार बार माता आती है, परेशान करती है, मेरे को बुलाती है, अपनी मम्मी को बुलाओ और पूछती है तुम्हारे बच्चे पे ये गंगा जी नवा लेकर आओ, जे करो दिखता है तुम्हारे ऊपर, क्या कर रहे हैं? समस्या आती जाती है, क्या करो? कौन सी माता पूछते हैं तो कहती माँ माया है, कभी कहती दुर्गा, कभी कुछ कहती है। आज की दुनिया में माता देवी या देवता कोई होते हैं? कलयुग में होते हैं। बाबा क्या करना चाहिए उसके? तो वो माता होती है या कोई भूत प्रेत आकर के बोलते हैं? भय का भूत होता है, हमारे पास क्यों नहीं आती? वो ध्यान लगाता है ना, मैया का भक्त है तो बस उसके पास आ जाती है, मतलब। हाँ जी, और मानेंगे तो आएगी। हमें क्या करना है? ये बाबा हमें तो कुछ नहीं करना है, एक शिव बाबा तो फिर है ही हमारे लिए, शिव बाबा है ही, तो फिर कहाँ से आ जाएगी? फिर हमें बुलाता है ना वो, अपनी माँ को। बाबा को सामने कर दो, बाबा की कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा का ज्ञान सुनो, आपको परेशान कर रही हमारे बच्चे को। और आगे चलो, आगे लाओ, गंगा जी ले जाओ, ये ले जाओ। माता जी को तो भूत लगा है पीछे। और है का पार्ट जो शूद्राणी थी वो झूठे बेर खिलाती थी। शूद्र जिनको कहा जाता है, हैं? शूद्र और शूद्राणी उनको कहा जाता है जो व्यभिचारी बनते हैं। व्यभिचारी बनने से झूठा हो जाता है, तो झूठन खिलाती थी, परंतु भावना से खिलाती थी या बिना भावना के खिलाती थी? तो भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान ये नहीं देखते ये झूठा है या सच्चा है, क्या देखते हैं? भगवान को तो आक धतूरे का फूल का भोग भी लगाते हैं तो भी स्वीकार कर लेते हैं। और आज की बोली में बोला कि ब्रह्मा का है पेड़ पर और विष्णु का है सासर पर है। जो लक्ष्मी आएगी वो कहाँ से आएगी? ससुर घर से आएगी या बाप के घर से आएगी? है ब्रह्मा उसका बाप है, तो अकेली विजय लक्ष्मी, विजय माला की हेड लक्ष्मी आएगी या उसके साथ ढेर सारा परिवार आएगा? तो उन सब के लिए बोला जो विजय माला में आने वाली हैं कि तुम पियर घर का भी उद्धार करो और ससुर घर का भी जाकर के उद्धार करना। और बाबा ये पॉइंट में जैसे आर्बिट घोष था, कितनी महिमा निकली उसके द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ, कितनी उनकी महिमा है। शादी की हुई थी, बाद बच्चे अरविंद माने क्या? अरविंद्र माने कमल का फूल, घोष माने घोषणा करने वाला। कमल का फूल बड़ा गृहस्थी है, इसलिए बोला अरविंद गृहस्थी था, अकेला भागा था। तो हमारे ज्ञान मार्ग में भी कोई है जो था तो बड़ी गृहस्थी में, लेकिन वो सारा घर परिवार छोड़ करके अकेला भागना पड़ा। अरविंद भागा तो पांडचेरी में जाकर के रहा। क्या नाम दिया? पांडवा ने पांडवों, चेरी माने दासी। पांडवों की चेरी कौन हुई? अरे पांडवों की सेवा करने वाली, शुश्रूषा करने वाली चेरी कौन हुई? द्रौपदी। द्रौपदी पार्ट किसका है? ऐसे तो कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, परंतु कोई अव्वल नंबर द्रौपदी भी तो होगी ना। तो वहाँ पांडचेरी के जाकर पास में शरण लेनी पड़ी। वेद का अरविंद कौन हुआ? जो जगदम्बा के पास जाकर के शरण लेता है। जगदम्बा के परिवार में पहुंचता है तो फिर ढेर का ढेर रुद्रमाला का परिवार तैयार होता है। न जगदम्बा होती और न रुद्रमाला का इतना बड़ा परिवार बनता। पांडचेरी समंदर के किनारे है, सागर के किनारे। अकेला क्यों भागा था? है? अरे अकेला भागने का कोई कारण होगा ना, कोई दुश्मन बने क्या? अपोजिशन करने वाले ढेर के ढेर हुए ना, तो अकेला भागना पड़ा। तो किसका पार्ट हुआ? है? शंकर को कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं। बड़ा गृहस्थी है या छोटा गृहस्थी है? बड़ा गृहस्थी है। बाप की है बेहद की गृहस्थी। तो बाबा तो हद का मिसाल देते हैं और हद की बातों से बेहद की बातें समझाते हैं। और बच्चे मतलब समझ 5000 बार दिन बच्चे बचने के लिए मतलब नेता वर्ग पहली होती है तो मतलब यहाँ पर यह कदम तो 5000 साल पहले भी ऐसे ही बैठे थे और आप भी यहाँ ऐसे ही बैठी थी और अगले 5000 साल के बाद फिर यहाँ ऐसे ही आके बैठेंगे और फिर यही बात पूछेंगे। अब हिस्ट्री में दिखाया है कि सोमनाथ मंदिर सबसे पहला बना, उसमें मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण करके उसमें हीरा प्राप्त किया। मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण नहीं किया, आक्रमण करने वाले अलग अलग भी थे। हाँ तो बाबा ब्राह्मण की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे हुई? सोमनाथ मंदिर कौन सा है? सोम किसे कहा जाता है? उसको नाथने वाला कौन है? सोम जिसे चंद्रमा को कहा जाता है, वो चंद्रमा बैल का पार्टधारी भी है या नहीं है? उस बैल को नाथ डालने वाला कौन है? कहते हैं बैल को जब गृहस्थी की गाड़ी में जोता जाता है तो नाथ वाला होता है कि बिना नाथ वाला होता है? नाथ वाला होता है। तो शंकर बैल पर सवारी दिखाई जाती है। बैल पर सवारी करता है तो हाई जंप लगा के करता होगा या आसानी से बैठ जाता है? हाई जंप लगा के करता है। हाई जंप जब तक नहीं लगाता है तब तक बैल उसके ऊपर सवारी करता है। अभी बैल शंकर पर सवारी कर रहा है या शंकर बैल पर सवारी कर रहा है? बैल शंकर पर सवारी कर रहा है। तो अभी सोमनाथ मंदिर है या नहीं है, या गजनवी तोड़ रहा है? हैं? अभी तोड़ रहा है। जब हाई जंप लगाएगा पुरुषार्थ की तो गजनवी का काम खलास हो जाएगा। और चैतन्य की यादगार जड़ बनाई जाती है। वो सोमनाथ मंदिर भी सागर के किनारे है। वेद का सागर कौन है? है? किनारे मने पास। तुम बच्चों का पुरुषार्थ जब संपन्न होगा तो तुम बच्चे मेरे पास आ जावेंगे, सागर के किनारे पहुंच जावेंगे। तो सोमनाथ का मंदिर भी कहाँ बनाया गया? वो तो जड़ मंदिर है, जड़ यादगार है। कभी चैतन्य भी रहा होगा, है? तो जब चैतन्य रहा तब सागर के किनारे पहुंचा था। और बाबा है 16 दिन की श्राद्ध होती है। 16 दिन की श्राद्ध। हाँ, श्रद्धा भक्ति की यादगार है श्राद्ध। जहाँ कौओं को भी खिलाया जाता है, कौओं के लिए भी श्रद्धा है। पितरों के लिए भी श्रद्धा है। अपने माँ बाप को तो सभी मान देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में माता पिता कौन हैं? जिन माता पिता से हम ब्राह्मणों ने जन्म लिया। प्रजापिता और ब्रह्मा, यज्ञ के आदि में भी ये थे। आज भी हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। पितरों को खिलाना अर्थात खुशी का भोग खिलाना। हम मौज में रहेंगे तो उनको भी मौज होगी। बच्चे अगर दुखी होते हैं तो पितर कभी सुखी नहीं होते। तो क्या बाबा उनको ज़्यादा चाहिए? वो लौकिक हैं या अलौकिक हैं? वो लौकिक में जो रस्म चलती है वो कहाँ की यादगार है? हैं? ये संगम युग की यादगार है। लौकिक में तो सब ढकोसला चलता है। सच्चाई सच्चाई की यहाँ की है। लक्ष्मी नारायण देवी देवता हैं, राधा कृष्ण भी देवी देवता हैं, राम सीता भी देवी देवता हैं। जो देवी देवता हैं तो उनके लिए बाबा का डायरेक्शन है कि तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो, तुम मनुष्य से क्या बनते हो, देवता बनते हो। लेकिन कब बनते हो? जब कन्याओं माताओं ने तुमको ज्ञान कलश लेकर के ज्ञान धन दिया, तब बनते हो। अगर कन्याएं माताएं सहयोगी न बने तो तुम बन भी नहीं सकते। इसलिए किसका नाम पहले रखना चाहिए, है देवी का या देवता का? देवी का नाम आगे रखना है। परंतु देवी देवता हैं या भगवान हैं, भगवती हैं, देवी देवता हैं। और शंकर पार्वती भगवान भगवती हैं। भगवान भगवती को ऊंचा कहेंगे या देवी देवताओं को ऊंचा कहेंगे? भगवान भगवती को ऊंचा कहेंगे। भगवती भगवान को बनाती है या भगवान भगवती को बनाता है? लेकिन देवी देवताओं को पद दिलाती है। देवी का पद देवताओं से भी ऊंचे है, परंतु भगवती का पद भगवान से ऊंचा नहीं है। तो वो भगवान भगवती है और वो देवी देवता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो आगे जाके गर्मी से पिघल जाएंगे, तो इसकी बेहद क्या होगी? हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है इस दुनिया का। नॉर्थ पोल दक्षिण पोल की बात छोड़ दो। नाम क्या रखा? हिम आलय। आलय माने घर। काहे का घर? बर्फ का घर। हिमालय वो तो जड़ है। हिमालय पुत्री कौन है? पार्वती। वो पार्वती चैतन्य थी या जड़ थी? है चैतन्य। उसका बाप वो भी चैतन्य था। तो हिमालय जो पहाड़ है वो किसकी यादगार है? चैतन्य की यादगार है या जड़ की यादगार है? चैतन्य ब्रह्मा की यादगार है। ब्रह्मा की पुत्री है पार्वती। पार्वती कहो लक्ष्मी कहो, बात एक ही। तो हिमालय बर्फ का पहाड़ है। बर्फ कठोर होती है या मुलायम होती है? है पत्थर की तरह होती है या पानी होती है? पत्थर की तरह होती है। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि पत्थर की तरह थी या पानी की तरह बहने वाली थी? है पत्थर की तरह जाम थी। ये पत्थर जब पिघलता है तब बात बनती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पर जो पहाड़ बने हुए हैं बर्फ के, वो बर्फ के पहाड़ पिघल पड़ेंगे। जब ये पहाड़ पिघलेंगे तो सारी दुनिया में ज्ञान जल ही ज्ञान जल बह जाएगा। बाढ़ आ जाएगी और उस बाढ़ में सारी दुनिया डूब जाएगी। और बाबा वो शंकर जी का जो मंदिर होता है ना, उसमें पहले कटा हुआ सर दिखाते हैं, उसका पहले पूजा करते हैं, फिर शंकर जी को क्या सर? शंकर जी का काम क्या है? मुंडमाल धारण करते हैं या नहीं धारण करते हैं? है? मुन्नों की माला पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? पहनते हैं, काटते जाते हैं और पहनते जाते हैं। उनकी जो सहयोगिनी शक्ति है, महाकाल की महाकाली जो सहयोगिनी शक्ति है, उनको भी कौन सी माला दिखाते हैं? मुंडों की माला दिखाते हैं, काटती जाती है और पहनती जाती है। और जाति बिरादरी किस आधार पर बनाई गई है? जाति बिरादरी किस आधार पर बनाई गई है? ऊंच नीच के आधार पर जाति बिरादरी बनाई गई है। जो ऊंच काम करते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, ऊंच ते ऊंच, और नीचे कर्म करते हैं उनको नीच जाति शूद्र कहा जाता है। क्षुद्र, क्षुद्र माने नीचा। और कर्मातीत अवस्था का अर्थ ये है कि कर्म से अतीत चले जाएं, परे चले जाएं। कर्मेंद्रियों से कर्म करें तो, परंतु उस कर्म का लेप छेप हमको न लगे, ऐसी तीखी याद की यात्रा में हो तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था हो गई। अभी क्या होता है, कर्म करते हैं, जिन इंद्रियों से कर्म करते हैं उन इंद्रियों का लेप छेप बुद्धि में रह जाता है। वो बात बार बार याद आती है, तो लेप छेप लगा या नहीं लगा। लेकिन ऐसी स्टेज हो जाए कि कर्मेंद्रियों के कर्म का कोई लेप छेप, कोई निशान बुद्धि में न रहे, याद भी ना आए। जैसे सन्यासी हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में भागने के बावजूद भी क्या उन्होंने कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए हैं घर गृहस्थ में रहते समय, वो कर्म याद आते हैं या नहीं याद आते हैं? हैं? याद आते हैं, तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था हुई नहीं। इसलिए बाप आकर हमें सिखाते हैं कि मैं सदैव कर्मातीत हूँ। कौन कौन कर्मातीत सदैव है? सदाशिव कौन है? एक शिव बाबा है जो सदैव कर्मातीत है। मेरे को याद करेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे। बल कर्मेंद्रियों से 24 घंटे भी काम करें तो भी उन कर्मेंद्रियों के किए हुए कर्म का लेप छेप बुद्धि में न लगे। शिवलिंग पूजा जाता है, लिंग पूजा जाता है, या कान नाक आंख पूजी जाती है? लिंग पूजा जाता है। जो पूजा जाता है वो ऊंच कर्म करता है तब पूजा जाता है, या नीच कर्म करता है तब पूजा जाता है? ऊंच कर्म करता है। क्या ऊंच कर्म करता है? ऊंच ते ऊंच काम दुनिया में कौन सा है? हैं? ऊंच ते ऊंच काम है बाप को पहचान करके बाप को याद करना। अब लिंग याद करता है क्या? पत्थर का लिंग याद करता है क्या? हैं? कौन याद करता है? हैं? लिंग याद नहीं करता है तो कौन याद करता है? लिंग में जो बिंदु रखा जाता है, जैसे सोमनाथ मंदिर में पत्थर का लिंग था और उसके बीच में हीरा रखा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार है? हीरा निराकार शिव की यादगार, जो सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, और लिंग उस साकार की यादगार है जो परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार की याद में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि उसको एक बाप के सिवाय किसी की स्मृति नहीं रहती। उसको नाक नहीं दिखाई जाती, उसको कान नहीं दिखाया जाता, कोई भी इंद्रिय नहीं दिखाई जाती। सिर्फ एक निशानी लिंग की है। जो कामेंद्रिय दिखाई जाती है, वो कामेंद्रिय पर जीत कोई ने नहीं पाई 100%। किसने जीत पाई है? शंकर ने पाई। तो जिसने जीत पर जीत लगातार जीत पाई, जीत पाने के बाद कभी फेल नहीं हुआ, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। वो कर्मातीत अवस्था पूजी जाती है। नहीं तो पूजा अपवित्र की होती है या पवित्र की होती है? हैं? पवित्र की पूजा होती है। ऐसी कर्मातीत अवस्था जिसमें लिंग कभी भी क्षरित नहीं होता, इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। नहीं तो स्त्री पुरुष जब अपने कर्मेंद्रियों से संसर्ग करते हैं तो संसर्ग करने का रिजल्ट क्या होता है? शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है? हैं? शक्ति जरूर क्षीण होती है। लेकिन जो कर्मातीत अवस्था है उसमें शक्ति क्षीण नहीं होती। ऐसी स्टेज नंबरवार रुद्रवत्सों की बननी है। इसलिए रुद्रवत्स कर्मातीत अवस्था को पावेंगे, मरने के बाद पावेंगे या जीते जी पावेंगे? जीते जी पावेंगे। ऐसों की संख्या कितनी होगी? है? जो कर्मातीत अवस्था को पावेंगे नंबरवार, उनकी संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख। और उनमें प्रवेश होने वाली आत्माएं 4.5 लाख, जो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगी और सतयुग में स्थूल पेट में प्रवेश होंगी, गर्भ से जन्म लेंगी और बच्चों के रूप में जन्म लेकर के पार्ट बजावेंगी। वो दोनों प्रकार की 9 लाख आत्माएं हैं, सृष्टि का आदि करने वाली, जो कर्मातीत अवस्था को पाती हैं। हाँ बाबा, बुद्धि नहीं है, वो आत्मा है, वो कैसे याद करेगी? है? बुद्धि नहीं है तो कैसे याद करेगी? इनके बच्चों को बुद्धि नहीं है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उसको तो भगवान ही मारते। पागल हो गया हो तो वो दूसरी बात है। उसकी बात छोड़ दो, आधा पागल हो गया उसकी बात छोड़ दो, उसको यहाँ क्यों ले आए? भगवान मालिक है तो भगवान आ गए तो ले आए, तो भगवान 500 करोड़ को मालिक हो जाए, 500 करोड़ को नारायण बना देगा, 500 करोड़ को देवता बना देगा है? भगवान का तो आर्डर ये है कि जब तक भट्ठी न करे तब तक सभा में नहीं लाना। और भट्ठी कौन करे? भट्ठी वो करे जिसने 7 दिन का कोर्स लेकर के भगवान बाप को पहचान लिया हो, और आपने तो उल्टा काम कराया। तो उल्टा काम कराएंगी, श्रीमत के बरखिलाफ बात करेंगी तो कौन सा संप्रदाय हुए? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को, काम करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। तो कब तक बने रहेंगे ऐसे है? अपनी मनमत पर कब तक काम करेंगे? करते ही रहेंगे, नहीं करेंगे। अगर करते ही रहेंगे तो उस लिस्ट में आएंगे जिसको बाबा ने बोला है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, और गीता में मनुष्यों ने छाप दिया है। ऐसे मूर्ख नहीं बनना है जो द्वापर युग से जन्म जन्मांतर नरक की योनि में जन्म लेते रहे। हमें तो बाबा यहाँ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं, स्वर्ग में जाने के लिए। भट्टी श्रीमत के अनुकूल करवा ली है या जबरदस्ती करवा ली? कैसे करवाई? जबरदस्ती मनमत पे कराई ना। भट्टी वो करें जिनकी बुद्धि में 7 दिन का एडवांस कोर्स बैठे। कोर्स ही बुद्धि में नहीं बैठा है, ज्ञान की कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती। क्लास में भी ला करके जबरदस्ती बैठा दिया, वो इधर देखता उधर देखता, तो वाइब्रेशन बिगाड़ रहा है या अच्छा बना रहा है? इसलिए मुरली में बोला है एक दिन ऐसा भी आवेगा जो इस पांडवों की सभा में कोई भी भिखारी आकर के नहीं बैठ सकेगा। आगे बाबा चाय जगह कुंभ का मेला लगता है, कबीरा में क्या है? चाय जगह कुंभ का मेला लगता है, कबीरा में क्या है? कौन कौन सी 4 जगह लगता है? एक भूल गए थे। हरि का द्वार किसे कहते हैं? हरि माने कृष्ण का द्वार। इलाहाबाद किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं अल्लाहाबाद। किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। तो जो नाम दिए हुए हैं वो ऐसा कोई काम हुआ है जिस काम के आधार पर वो नाम पड़े हैं। उज्जैन, उत माने ऊंचा और जैन माने जिसने इंद्रियों के ऊपर जीत पाई है। इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वालों में ऊंचा महाकाल की नगरी है। महाकाल किसको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। वहां कुंभ का मेला लगता है। कुंभ किसको कहा जाता है? कुंभ ज्ञान कलश को कहा जाता है। ये बुद्धि ही कुंभ है। जहाँ ढेर की ढेर आत्माएं आकर के मिलन मेला मनाती है। ये चार तीर्थ स्थान हैं जहाँ मेला लगता है। जहाँ मेला लगता है चाहे वो इलाहाबाद ही क्यों न हो, उसे इलाहाबाद में क्या अल्लाह आते हैं या नदियों का मेला होता है? नदियों का मेला होता है। उस कुंभ के मेले से किसी का उद्धार नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सब मेले बार बार और गंगा सागर एक बार। जहाँ गंगा और सागर का मेल होता है वो एक ही बार होता है सारे कल्प में, और सारी दुनिया की सभी आत्माओं का उद्धार हो जाता है। बाकी तो ये कुंभ के मेले लगते ही रहते हैं, हर 12 साल बाद की बात लगते हैं। और बाबा कृष्णा सीरियल आता है उसमें सत्यभामा, पूछ लो उसमें सत्यभामा को अहंकारी क्यों बताया? एक है गंगा, एक है जगदम्बा और एक है यमुना। गंगा, यमुना और जगदम्बा सरस्वती, 3 नदियां प्रसिद्ध है ना। अब 3 नदियों में कौन सी नदी है जिसके किनारे सन्यासी जाकर के चौकड़ी लगा के बैठते हैं? गंगा। और दुनिया में कौन सी कैटेगरी के मनुष्य हैं, कौन से धर्म के मनुष्य हैं जिनके सब जाकर के पांव पड़ते हैं? सन्यासियों के सब जाकर के पांव गिरते हैं। और जिन सन्यासियों के सब जाकर के पांव पड़ते हैं, चरण धोते हैं, चरण धोकर के पीते हैं, वो सन्यासी गंगा के किनारे जाकर बैठ जमावड़ा जमाते हैं। गंगा को अपना गुरु मानते। सन्यासियों में इतना अहंकार होता है तो सन्यासियों को जन्म देने वाली गंगा में होगा या नहीं होगा? है, होता है। इसलिए दिखाया गया है कि कृष्ण को 8 धर्मों की 8 पट्टरानियां थी। 9वां धर्म तो सबसे ऊंचा है, सूर्यवंश। उसमें तो अहंकार की बात ही नहीं है। वो तो अहंकार तो क्या 5 विकारों को जला देते हैं। खुद जलते हैं, सारे संसार को जलाते हैं। तो एक को छोड़ दो, 9 धर्मों में से एक को छोड़ा तो कितने बचे? 8 धर्म विधर्मी धर्म हैं। चंद्रवंश से लेकर के और कहाँ तक? चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धिवंशी, क्रिश्चियनवंशी, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। कितने हुए? 7 हुए। और एक आर्य समाज, वो भी तो निराकार को मानता है या नहीं मानता है? आस्तिक तो है। तो 9 धर्म हैं जो भगवान को कोई न कोई रूप में मानने वाले हैं। 9 धर्मों में से एक है सबसे ऊंचे, जो आकर के भगवान बाप स्थापन करते हैं, सूर्यवंश। बाकी के हैं 8 और उन 8 की 8 पटरानियां हैं। उन 8 पटरानियों में 3 सर्वोपरि हैं। कौन कौन? रुक्मिणी, गंगा, वो सत्यभामा और जामवंती। तो अब समझ में आ गया कि सत्यभामा कौन से कुल की है? सन्यासियों के कुल की है। इतना अहंकार क्यों था? क्योंकि सत्यभामा जिस कुल से आई थी, जिस पीहर घर से आई थी, उस पीहर घर में एक सामंतक मणि थी जो 20,000 मन रोज सोना देती थी। सोना माने सच्चाई उगलती थी। अभी वो गंगा नदी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई है? हैं? क्या कहा मुरलियों में गंगा के बारे में? गंगा कब निकलेगी? अंत में निकलेगी। ये सन्यासी कब निकलेंगे? अंत में निकलेंगे। जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। क्यों विजय हो जाएगी? क्यों न सन्यासियों की जो माँ गंगा है, उस गंगा के मुख से 1,000 मन रोज सच्चाई निकलेगी। तो अहंकार होगा या नहीं होगा? है, जरूर अहंकार होगा। और बाबा साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, आदि अंत एक अब तारा सोई गुरु समझियो हमारा। इसका अर्थ हाथ और बेहद में जानना चाहता। जो आदि है सो अंत है। यज्ञ के आदि में जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो किसमें आते हैं? जिसमें आते हैं वही आदि, आदि पुरुष। और अंत में जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कौन बचेगा? अंत में वही एक बचेगा जिसका कभी अंत नहीं होता है। हद में ये कहाँ पर मतलब बताया था? हद में गुरुओं ने अपने अपने ऊपर रख लिया है। शिवो हम ही भगवान हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। गुरु नानक तो आते ही मध्य में है, कलयुग के मध्य में आते हैं। ये तो सृष्टि 4 युगों की है। 4 युगों में जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एक दिन का अंतर ही नहीं है। वो है आदि पुरुष, उसका नाम है अकाल पुरुष। कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त। उसकी मूर्ति भी है। काल उसे नहीं खाता, वो महाकाल है। सारी दुनिया को काल के गाल में ले लेता है, लेकिन उसको काल नहीं खा सकता। इसलिए कहा जो आदि सो अंत है। बेहतर जाति की है। हाँ, क्या मानती है? कैसेट को सुनती है, मानती है। हाँ, क्लास कहाँ करती है? क्लास में जंगल की देखने के लिए सुना। मुझे सुना, मैं नहीं तो मैं बात नहीं करूँगी, कोई चीज मुझे प्राप्त नहीं होगी। वो फिर नजदीक क्यों नहीं आती सुन करके? वो भी मतलब काम करने वाली है। काम करने वाली आप नहीं है? यहाँ जितने बैठे हैं वो सब काम करने वाले नहीं हैं, हैं? काम करते हैं सभी। यहाँ आने के लिए उसे मना है क्या? क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं आ रही है? नौकरी नौकरी तो बहुत सी माताएं करती हैं और नौकरी करती है तो वो तो और छूटेली हो जाती है, घर वालों का बंधन ही खत्म हो जाता है उनके ऊपर। उनको आपने बताया कि हम जिस सत्संग में जाते हैं उसमें मेहतरानी को आने के लिए मना नहीं किया जाता है? नहीं बताया? हाँ, फिर बोले के जाएंगे और नहीं जाएंगे तो हमें रोज बता दिया करो, बहुत प्यार हो गया करने लगे बाबा। तो ठीक है, जब तक सुनती है तब तक सुनाओ। और अब मुरली में तो 20 बार ये बात बताई दी गई है, आप रोज सुनते ही नहीं है तो क्या किया जाए? फिर चिल्लाएंगे। बाबा साकार के 42 मुरली में है, साकार के 42 और व्यस्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए ना। कौन से सन में बोली ये मुरली? मुरली नवासी है, 89 में के 79 में? 79 में बोली। साकार के 42 वर्ष कैसे? साकार तो 69 में खत्म हो गया और ये वाणी बोली गई है अव्यक्त वाणी 79 में, तो 79 में 42 वर्ष पूरे होते हैं। और साकार ने कब शरीर छोड़ा? 69 में। तो जब 69 में शरीर छोड़ा तब वो 32-33 साल का था। 32-33 साल पूरे हुए साकार के, फिर 79 में 42 क्यों कह दिए साकार के? इससे साबित होता है कि 69 के बाद भी शिव बाबा साकार में ब्राह्मणों की दुनिया में था या नहीं था? है? था, तब कह दिया। 69 से लेकर के 79 तक जब ये वाणी बोली गई है तब तक भी साकार में था। भले ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो भी बाद में किसमें था? कृष्ण की आत्मा ने, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो किसमें था? राम वाली आत्मा में था। इसलिए साकार के 42 वर्ष बोले और 10 वर्ष अव्यक्त के। गुलजार दादी में कौन आता है? अव्यक्त बाप दादा। तो 10 वर्ष वो भी ऐड करो 42 में, तो कितने वर्ष हुए? 50 से भी ऊपर हो गए, 52 वर्ष। तो समझ में नहीं आया? ब्रह्मा कुमारियों से जाके पूछो, सो नहीं पूछेंगी, बाबा से पूछेंगे। ये एडवांस की बात है, इसलिए बाबा से पूछेंगे। ये बेसिक के बाबा ने नहीं बोला। और बाबा देखिए वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम तो एडवांस फैमिली में इसलिए नहीं जाते हैं कि एडवांस वाले ना हम लोग हमारे ब्रह्मा बाबा की खिलानी करते, इसलिए नहीं जाते। उनके ब्रह्मा बाबा हैं और सारी सृष्टि के ब्रह्मा बाबा नहीं है। बाबा को तो ब्रह्मा बाबा नाम है, तुम्हारे बाबा को किस नाम से? माना तुम्हारा ही भगवान आया हुआ है, दूसरे का भगवान नहीं आया हुआ है। भगवान भी हमारा तुम्हारा होता है कि सबका होता है? और बाबा, कुछ बोलियां हैं जैसे रिवीजन बहुत सालों की हो रही है। कुछ मूल्य है जिनका रिविजन बहुत सालों से हो रहा है, हाँ। कुछ बुक्स हैं, तो इनका उनको जो गुप्त है उनकी रिविजन को तो बहुत कम टाइम मिलेगा, हाँ। तो क्या ये जो मूल्य जिनका बार बार रिविजन हो रहा है इनमें ज्ञान ज्यादा है? इनके पास जितनी मुरलियाँ अवेलेबल हैं उन्हीं को तो बार बार रिवाइज करेंगे, जो उनके पास है ही नहीं उनको रिवाइज कहाँ से करेंगे? हाँ, कोई नई नई मुरलियाँ पुरानी गीता पाठशालाओं से मिल जाती हैं तो उनको रिवाइज कर देते हैं, नहीं तो कहाँ से लावें? उन्होंने तो मुरलियों का महत्व ही नहीं जाना, इसलिए मुरलियों की कापियां रखी ही नहीं। नहीं तो दूसरे धर्म वाले अपने धर्म पिता के महावाक्यों को कितना सहेज करके रखते हैं। इन्होंने तो उन मुरलियों के पत्तों पर चाट खाई है, चाट। तो बहुत अच्छी लगती है, गॉड सुनकर तो बहुत अच्छी लगती है, समझना ही आता है, मगर बाद में बात में हम ध्यान के हमारे भूल जाते हैं। संग का रंग, एक घंटे बाप के संग में ब्राह्मणों के संग में बैठते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, फिर दुनियादारी के संग के रंग में जाते हैं और ऐसे जाते हैं चिपक चिपक के कि सब भूल जाता है। मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरी लल्ली, मेरी लल्ली, मेरी लल्ली, पुची 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 पुची, फिर सब भूल जाते हैं। और हाँ जी, है शंकर जी की तो बात छोड़ दो, वो तो शास्त्रों की बात हो गई, तुम्हारे बाबा काहे भागे भागे फिरते हैं, हैं? पहले ये तो बताओ, हैं? हैं? बाल बच्चों के कारण भागे भागे फिरते हैं, क्यों? बाल बच्चे भागे जा रहे हैं क्या? बाबा अगर एक स्थान में बैठेंगे तो इनको तो बहुत आराम हो जाएगा, जब छुट्टी मिलेगी तो बाबा के पास जाएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं जाएंगे। अभी अभी तो बाबा अटरेंडम आ जाते हैं तो अटरेंडम भागना ही पड़ता है, तो बच्चों को तो और आराम हो जाएगा अगर बाबा एक जगह बैठ जाए, पर वो तो एक जगह बैठते ही नहीं, उनको क्यों डर लगता है? हैं? भस्मासुर पीछे लगा है, ये भस्मासुर के अगर मुकाबला करेंगे तो ये सब बच्चे वंचित रह जाएंगे। वंचित रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे? हैं? रह जाएंगे। और कोई भाई बहन याद क्या हुआ? जब आप बांदा आए थे किसी ने खबर नहीं दी, भाई बहन ने खबर नहीं दी। आप बांदा सेंटर वालों की खबर नहीं लेते होंगे, हैं? आप कितने दिनों बाद जाते हैं बांदा सेंटर में? 1 महीने बाद जाते हैं। 1 महीने बाद जाते हैं, इसलिए आपकी खबर नहीं ली। अरे मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, पारसी होते हैं, वो भी गिरजाघर में 7 दिन में 1 बार जरूर जाते हैं। मुसलमान भी जामा मस्जिद में, जुमा मस्जिद में शुक्रवार को जरूर जाएंगे, और आप तो 7 दिन में भी नहीं खबर लेते, तो आपको खबर क्यों देंगे? बड़ा बढ़िया किया। और एक माता है जो क्लास की है, मतलब बच्ची भी की है और क्लास में मतलब नहीं कर पा रहे हैं क्लास, और बूढ़ी है और गाँव से लाचार है, गाँव से लाचार है और बूढ़ी है और वो कुछ समय नहीं कर पा रहे। तो कहना ये है कि वो घर में रहकर कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं कर सकती, वो यहाँ आ सकती है बाबा की क्लास में। अरे अभी कहते हैं वो गीता पाठशाला में ही क्लास नहीं कर पा रही है, कभी आ सकती है। अरे गीता पाठशाला में क्लास करती है या नहीं करती है? नहीं करती है। बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार हो, क्या मुरली में कहा 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास करना है, तो यहाँ कैसे आ जाएगी? कैसे भी है तो कैसे भी वहाँ भी पहुँच जाएगी। अरे 7 दिन में तो एक बार पहुंच जाएगी। वही तो बात है, यहाँ वो ही आ सकते हैं, उन्हीं को आना है जो रेगुलर हैं, भले 7 दिन में एक बार जाते हैं। और बाबा कोई सब काम में जाते हैं तो ठीक आ जाती है, शुभ काम में जाते हैं छींक आ जाती है, लेटरिन नहीं आई तो बिल्कुल ही जाना बंद कर देंगे। आप तो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं या भक्ति मार्ग में चल रहे हैं? आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं या भक्ति मार्ग में चल रहे हैं? ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। अच्छा, दुनिया में जो भी काम होते हैं सबका बोहद निकालो, इसको कहते हैं कौन सी सेना? किसकी सेना? राम की सेना। कौन सी? बंदर। हाँ, लक्ष्मी नारायण की बस रामसा होते हैं अलग है। लक्ष्मी नारायण जैसे यहाँ वो बस रामसा देने हैं, लेकिन संगठन की क्यों नहीं? हाँ, लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिकाना पाए हुए हैं या पुरुषार्थी हैं? पाए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण को मंदिरों में आसीन दिखाया जाता है और शंकर जी को मंदिरों में नहीं दिखाते हैं बैठा हुआ, कहाँ दिखाते हैं? शमशान घाट में, पहाड़ों पर। तो शंकर जी याद में बैठे हुए हैं और नारायण याद में नहीं बैठा हुआ है। क्या मतलब हुआ कि शंकर जी पुरुषार्थी हैं, उनका पुरुषार्थी जीवन है और लक्ष्मी नारायण का पुरुषार्थी जीवन नहीं है, तो अंतर होगा या नहीं होगा? होगा, तो वो ही अंतर है। और काम हो जा रहा है बाबा, आप लज्जा केस काट रहा। अरे हाँ, एक माता ने छींक मार दी और एक माता को बिलैया काट गई। कोई रास्ता चलते जाता है और बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो अपशकुन मानते हैं। ज्ञान में बहुत चलते हैं और मुरली की रास्ते पे चलते हैं, मुरली सुनते हैं, दूसरों को मुरली सुनाते हैं, मनन चिंतन भी मंथन करते हैं और मुरली जैसे चलाना चाहती है वैसे चलते हैं। और भगवान बाप को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? पहचानते भी हैं, लेकिन माया बिल्ली क्या करती है? उसका रास्ता काट देती। भगवान नहीं आया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता भगवान आ जाए, भगवान हो ही नहीं सकता। अरे भगवान तो आया था ब्रह्मा के तन में, तो रास्ता काट दिया कि नहीं काट दिया? किसने रास्ता काटा? माया बिल्ली ने। और वो माया बिल्ली सारा दूध पी लेती है। क्या वो माया बिल्ली की एक खासियत थी क्या कि बाबा जो भी मुरली सुनाते थे 8 पेज की क्यों न हो, आज कौन कितने पेज की मुरली चली? 9 पेज की। तो 9 पेज की भी मुरली क्यों न हो, उनसे अगर दोबारा कोई सुनता तो 9 पेज की मुरली हूबहू सुना देती। तो सारा दूध पी जाती थी कि नहीं? है, सारा दूध पी जाती थी, इतनी पावरफुल बिल्ली थी। लेकिन अगर किसी का रास्ता काट दे तो बस हो गया कबाड़ा। फिर क्या करते हैं? अगर रास्ता बिल्ली काटती है तो उसका परिहार क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? हैं? नहीं, उल्टा चल देते हैं, थोड़ा चप्पल भी फेंक देते हैं। हाँ, तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। स्थूल में बातें उठाई हैं और ओम शांति।